हाय गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में जैसा कि आपने अगर फॉलो किया होगा तो उसमें हमने आपको कंपाउंड फ्रैक्शंस, कंबाइंड ऑपरेशंस और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस के बारे में बताया था। आज हम आपको एक और तरह के फ्रैक्शन से इंट्रोड्यूस कराएंगे विच आर नोन एज कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। कंटिन्यूड फ्रैक्शंस ये किस तरीके के होते हैं, लेट्स टेक अ लुक। A fraction that contains an additional fraction in the numerator or the denominator are called continued fraction. मतलब numerator में भी एक fraction हो additional और denominator में भी additional fraction हो, उस तरह के fractions को हम continued fractions बोलते हैं। Okay, now I will give you a few example of this form. Fractions like this, देखिए 4 plus 1 upon 1 plus 1 अपॉन 5 प्लस 2 बाय 3। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यूमरेटर में एडिशनल न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में एडिशनल फ्रैक्शन है, फिर उसके भी डिनोमिनेटर में एक एडिशनल फ्रैक्शन है। तो जब किसी भी फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में, अगर कोई एडिशनल फ्रैक्शन होता है तो उस तरह के फ्रैक्शन को हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 2 बाय 5। तो ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। ओके, जैसा कि आप डिनोमिनेटर में देख सकते हैं एक एडिशनल फ्रैक्शन है, और उस फ्रैक्शन के अंदर भी एक और फ्रैक्शन है, फिर एक और फ्रैक्शन है। ऑलराइट, तो जो कंटिन्यूड फ्रैक्शंस होते हैं उस तरीके के होते हैं। अब जैसा कि कल हमने आपको कहा था कि हम आपको एग्जाम्पल्स से बताएंगे जो भी चीज़ें हमने आपको समझाई हैं अभी पिछले लेक्चर में और आज के में। तो आज हम जो एग्जांपल लेंगे वो कंबाइंड ऑपरेशंस का होगा, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था बॉडमास के बारे में, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हुए आज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। एग्जाम्पल 7 by 12 डिवाइडेड बाय 5 by 24, इसको हमें सॉल्व करना है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू बॉडमास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम डिवीजन का ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो हम इसको ऐसे लिख लीजिए 4 by 5 into 7 by 2। अच्छा, हमने आपको एक चीज़ और बताई थी व्हेन वी स्टार्टेड विद फ्रैक्शंस, दैट जब ये डिवीजन होता है तो हम इसको रेसिप्रोकल करके इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो डिवीजन ऑफ 5 by 24 विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 24 by 5। ये रेसिप्रोकल की चीज़ हमने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताई थी। अगर आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उसमें आपको कहीं पे ये मिलेगा कि जब आप डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आप जो सेकंड नंबर है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो उसको आप रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई कर देते हो पहले नंबर में, एंड देन हेंस द फंक्शन ऑफ डिवीजन इज इम्प्लीमेंटेड। ओके, अब ये क्योंकि आप देख सकते हैं ऐसा हो गया, तो 2 विल गो इनटू 24, 2 1 2 2 2 4 12। ओके, नाउ 4 by 5 into 7 into 12 by 5। ओके, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 56 by 25। ओके, तो पहले आपने क्या किया, डिवीजन का ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर आपने पूरा मल्टीप्लिकेशन का ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। 4 by 5 divided by 7 by 12 divided by 5 by 24। ओके, नाउ इसमें तो सारा ही डिवीजन है। ओके, तो इसमें क्या होगा कि जो अगेन द डिवाइडिंग वाला नंबर जो है इसको हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी 12 into 12 by 7 into 24 by 5। ऑलराइट, देखो यहाँ डिवीजन है तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 by 7 हो जाएगा, फिर इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 24 by 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर लोगे, इसका आंसर आ जाएगा 1152 upon 175। गाइज, आपको आई होप आपको ये बॉडमास वाला या कंबाइंड ऑपरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। ओके,
Now, अब हम आपको बताते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. आई थिंक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी आपको समझाया था, इसमें भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन होते हैं तो उस तरह के हम फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं. तो उसमें हमने आपको वो बताया होगा शायद, अगर आपको याद हो तो, कि अगर आपके पास एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है, मान लीजिए 4/15 / 2/5, तो इसका आपको सिंप्लीफिकेशन निकालना है. ओके, बट ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है. अगर आपने लास्ट लेक्चर हमारा रेफर किया होगा तो आपको समझ आएगा, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर भी एक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर भी एक फ्रैक्शन है. तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है उसको आप न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर है दैट विल गेट मल्टीप्लाई टू द डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर. ऑल राइट, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4 × 5/15 × 2. ओके, नाउ इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 5 × 3 = 15, 2 × 2 = 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3. तो गाइज ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है. ओके, अब इसी में एक और वैरायटी आती है क्वेश्चंस की जो आपको यूजुअली मिलेगी देखने के लिए, दैट इज ऑफ दिस काइंड, 1/2 + 2/3 / 3/4 - 2/9. इसका आप सिंप्लीफिकेशन ढूंढेंगे. इसका सिंप्लीफिकेशन हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, बट आई वॉन्ट यू टू गिव द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज मैं चाहती हूँ आप इसको एक बार अटेम्प्ट करके खुद बताइए कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा. आप लोगों को बॉड मैस मालूम है, आप लोगों को एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस पता है, आप लोगों को सब्ट्रैक्शन पता है, आप लोगों को ये पता है कि जब डिवाइड करते हैं तो उसको रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं. आप लोग एज ऑफ नाउ सिंप्लीफिकेशन थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे. So I would want you to simplify this and tell me the answer in the comment section. Otherwise, मैं इसको obviously next lecture में simplify करूँगी. So guys, next lecture में हम आपको example इसका simplification देंगे, plus हम आपको एक और example बताएंगे of this of complex fraction and also of continued fraction. So guys, इस next lecture के बाद I think हम लोग फिर word problems पे जाएंगे fractions के, जो usually हमारे competitive exams में आते हैं. ओके गाइज, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. आप लोगों ने देखा होगा कई सारे वीडियो अपलोड्स हो रहे हैं इस वक्त, एंड आई एम श्योर आपको थोड़ा बहुत हेल्प भी मिल रहा होगा यू नो इन वीडियोज से. सो प्लीज़ डू पोस्ट योर क्वेरी इफ एनी, एंड आई विल मेक श्योर कि दैट इज रिजॉल्व एट द अर्लीस्ट. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक ऑल ऑफ देम. थैंक यू वेरी मच.